साकेत बार एसोसिएशन ने कोर्ट में मनाई महाराजा अग्रसेन की जयंती। अग्रेहा समाज के संस्थापक और श्रीराम के वंशज महाराजा अग्रसेन जी का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन श्रीराम की 34वीं पीढ़ी माने जाते हैं। समाज कल्याण के लिए ये हमेशा अग्रसर रहे। हरियाणा और यूपी में बड़े हर्षोल्लास के साथ अग्रसेन जयंती मनाते हैं। वहीं आज दिल्ली के साकेत फोर्ट में महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इसके उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट के सभी मेंबरों ने हिस्सा लिया और महाराजा अग्रसेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। साकेत कोर्ट में अग्रवाल समाज के लोगों की तरफ से आयोजित की गई इस कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाते हुए उनकी तस्वीर पर वकीलों ने पुष्प चढ़ाए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी पहुंचे। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और आज सभी अधिवक्ता मिलकर महाराजा अग्रसेन की जयंती मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। नवरात्र का पहला दिन है, शुभ अवसर है और इस दिन को लेकर आज सभी अधिवक्ताओं में खुशी है। और जैसा कि हम लगातार समाज के हित के लिए काम करते आ रहे हैं, अधिवक्ता कानून की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं और आज हम सब लोग मिलकर आपस में महाराजा अग्रसेन की जयंती मना रहे हैं, जो कि श्रीराम के वंशज माने जाते हैं। दिल्ली से शहनवाज खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रमेश गुप्ता है, सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में और साकेत बार का भी मेंबर। क्या कहेंगे अभी न केवल साकेत के बल्कि पूरे दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के सभी वकीलों को, सभी देशवासियों को आज के इस महाराजा अग्रसेन जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारक देता हूँ। जो जैसा सबको मालूम है, महाराजा अग्रसेन राजा दशरथ और राजा राम के जो बेटे थे, कुश की 35वीं जनरेशन के जो राजा बने और उसके बाद ये जो अग्रवाल समाज की स्थापना हुई, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आज इससे भी अच्छी बात है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। हमारे सभी पर मेहरबान हो, सभी को अच्छी तरह जीवन दिए, सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर धर्म की कोई राजनीति न करें, सब धर्म जोड़ने के लिए बने, कोई तोड़ने के लिए नहीं बना। और वकीलों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पूरे हिंदुस्तान में कि वो हिंदुस्तान को जोड़ करें। देखिए, तैयारी तो इलेक्शन चेयरमैन ने करनी है कि अच्छा इलेक्शन हो। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 1975 में बताना शुरू की थी और मेरी तैयारी तो तभी से चल रही है। मैं तभी से अच्छी वकालत करने की कोशिश करी, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करी, सभी वकील भाइयों की मदद करने की कोशिश की। एक दिन में या एक महीने में या एक साल में आप तो तैयारी नहीं कर सकते। आपका व्यवहार बार एसोसिएशन में कैसा रहा, आपका व्यवहार लॉयर्स में कैसा रहा, आपका व्यवहार जजेस में और कोर्टों में कैसा रहा, क्लाइंटों से कैसा रहा, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि कौन कैंडिडेट जीतना चाहिए और कौन कैंडिडेट जीतने के लिए लायक है। तो मैं समझता हूँ मेरी तैयारी तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं इस लायक बना कि मैं कुछ मदद कर सकूँ वकीलों की, कुछ और क्लाइंटों की मदद कर सकूँ, ईमानदारी से जिंदगी जी सकूँ, मेरी तो तभी से तैयारी चलती है। ठीक, पीयूष गुप्ता जी, तो सिर्फ दिल्ली का मेंबर भी हूँ, कॉलेज चेयरमैन हूँ। क्या कहेंगे सर? मैंने पहली बार महाराजा अग्रसेन की जयंती किसी कोर्ट परिसर में मनाई जा रही है। सबसे पहले तो आज के आयोजन समिति का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा बड़ा झुकाव शुरू करा। और साथ में ही, जैसे हम सारे जानते हैं कि आज पहला दिन नवरात्रि का है, वैसे शुभ दिन पर ऐसी हमारे जयंती भी और नवरात्रि का पहला दिन भी, दोनों हमारे साथ आज खुशी मनाई जा रही है। और आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा समूह अधिवक्ताओं का यह सारा सम्मिलित है, इस पार्टी से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रभु ने चाहा तो उनके आगे समय में इससे बड़े बड़े प्रोग्राम ये आयोजन समिति हर कोर्ट में बनाएगी। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। हमेशा बार काउंसिल और दिल्ली की तरफ से भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरा सहयोग देना चाहूँगा, कहते हुए कि आगे भविष्य में भी जहाँ बार काउंसिल की जरूरत पड़ेगी, बार काउंसिल हर एक अधिवक्ता भाई बहन के लिए हमेशा खड़ी हुई। तो पहली बार है, देख 1000 लोगों का बना रहा है और जहाँ तक मेरी बात हुई है, मुझे यही है कि हर कोर्ट में किया जाएगा इस तरह। देखिए, ये पहला नवरात्रा है, हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और साथ में हमारे भाइयों ने, अग्रवाल समाज से जो लोग हैं, उन्होंने महाराजा अग्रसेन की जयंती भी मनाई है। बड़े धूमधाम से सभी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
खूब एंजॉय कर रहे हैं और मैं आप लोगों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाकी कल हम लोग, मैंने इलेक्शन जीतने के बाद अपना एक एजेंडा बताया था, जुडिशियल सर्विसेज के लिए हम क्लासेस यहां शुरू करेंगे कल शाम को 4 बजे, उसका इनॉग्रेशन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल शाम को 4 बजे आना यहीं सेमिनार हॉल में, फॉलोड बाई हाईटी है, और जुडिशियल सर्विसेज के क्लासेज हम कल से फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं।